हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की चीज लेकर के आ चुके हैं। तो गाइस आज हमारे पास में है ये है गाइस फ्लाइंग मैन और इसके डब्बे पर साफ साफ लिखा हुआ है फ्लाइंग मैन। इसके अंदर एक ऐसा इंसान एक ऐसा टॉय होना चाहिए जो कि उड़ता है। तो गाइस जो चीज़ है वो बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है मेरे हिसाब से, मुझे लगा कि आपको दिखानी चाहिए। फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपके बहुत काम आ सकता है, जो कि है बिनोमो। गाइस बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फोरकास्ट करना होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और अगर आप करेक्ट फोरकास्ट करते हैं तो आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों ये एक कंप्लीटली लीगल ऐप है जिसे आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप अभी इस स्क्रीन पर दिख रहे प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो आपको आपका जो डिपॉजिट है वो डबल मिलेगा, यानी कि अगर आप 400 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 800 रुपए मिलेंगे। मैंने यहां पर 500 रुपए का फोरकास्ट किया और मुझे लगता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, तो यहां पर मैं अप पे क्लिक कर रहा हूं और अब हमें वेट करना है। गाइज मेरा फोरकास्ट सही था और यहां पर मुझे 700 रुपए मिल गए हैं, और इस अमाउंट को बहुत इजीली 24 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक में विड्रॉ किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। गाइज अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिनोमो को चेकआउट करने पर आपको मिलेंगे 65,000 रुपए अपने डेमो अकाउंट में, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हैं। गाइज 2 मिलियन से ज्यादा लोग बिनोमो यूज कर रहे हैं, तो भाई आप लोग भी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया, मैं एक्चुअली में टॉय स्टोर में घूम रहा था और तब मुझे ये चीज दिखी, तो मुझे लगा कि भाई आपको ये जो चीजें दिखानी चाहिए क्योंकि हम आपको नई नई यूनिक चीजें अनबॉक्स करके दिखाते रहते हैं। गाइस अब बात करते हैं बॉक्स की। पीछे की तरफ ये बना हुआ है फ्लाइंग मैन, यहाँ लिखा हुआ है कम फ्लाई विद मी, एंड नीचे लिखा हुआ है फ्लाइंग मैन। इधर बहुत सारे इसके मोड्स लिखे हुए हैं, एटीट्यूड होल्ड मोड है, मल्टीप्लेयर है, लो बैटरी अलार्म है, हाई लो स्पीड मोड है, हेडिंग होल्ड मोड है, बटन वन बटन टेक मोड है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है इंडोर भी यूज़ किया जा सकता है। इधर इसका रिमोट है लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो एक फ्लाइंग मैन है यही दिख रहा है। इसके ऊपर यहाँ देखो ये सील लगी हुई है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे उड़ेगा ये कैसे काम करेगा या कि ये कैसा, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता गाइस। मैं बस ले आया आपको कुछ दिखाने के लिए। ये खुल चुका है और गाइस आप देखते हैं कि अंदर क्या है। ये कुछ इस तरीके से निकल गया है हमारा फ्लाइंग मैन, और इसके अंदर एक और डब्बा है। ये रहा, आजा आजा आजा, अरे आजा भाई, ये रहा गाइस, ये रहा। अब डब्बे के अंदर कुछ नहीं है तो इसको रखते हैं साइड में। फ्लाइंग मैन यहाँ पर इसको भी निकालेंगे लेकिन उससे पहले ये जो डब्बा है, मेरी इच्छा हो रही है कि इसके अंदर क्या है वो भी देखने की। इसके अंदर कई सारी चीज़ें भाई साहब, ये क्या है? ओहो, इसके अंदर है एक नॉर्मल USB केबल, और ये जो हैं इसके प्रोपेलर्स लग रहे हैं मेरे को, 4 इसके अंदर प्रॉप्स आए हैं। ये है इसके कुछ, अच्छा ये तो रिमोट है, और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो गाइस रिमोट को भी आपको खुलकर जो है दिखाई देते हैं फटाफट से। ये आ गया बाहर एक बहुत बढ़िया, यहाँ पर इन्होंने एक स्टिकरिंग सी लगा रखी है जिस पे क्या लिखा है, पुट द ड्रोन ऑन ए फ्लैट सर्फेस इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, टर्न ऑन द ट्रांसमिट देन पावर ऑन द ड्रोन, पुश द लेवर। गाइस इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है कि इसको कैसे कैसे उड़ाना है, तो वो तो हम जो है कर ही लेंगे, ये इंस्ट्रक्शन मिलो इसके हमको जरूरत पड़ती नहीं। इसको हम जब पढ़ते हैं जब हम फंस जाते हैं इसको रखते हैं साइड में, फटाफट जो हमारा फ्लाइंग मैन है उसको निकालते हैं बाहर। और इन्होंने इस फ्लाइंग मैन को इन चीज़ों से बांध करके रखा हुआ है। तो गाइस उत्तरी भाई साहब, ये है वो फ्लाइंग मैन। अरे यार इसके लिए हमने 4300 रुपये दिए हैं, अब ये क्या करेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, खड़ा होगा कि नहीं सबसे पहले तो ये देखते हैं। छोड़ता हूँ गाइस, अरे यार ये तो जो है पीछे की तरफ पलट के एक बार फिर से करता है खड़ा, ऐसे तो रह जा रहा है लेकिन जैसे अपना हाथ हटाता हूँ ये जो है पीछे गिर जाता है। 4 प्रॉप्स यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं, यानी कि 4 प्रोपेलर्स हैं, उनके अंदर की मोटर्स भी मुझे जो है यहाँ पर दिख रही है। जो आदमी है वो खड़ा हुआ है और इसके पीछे जो है ये प्रॉप्स लगे हैं, बैग सा जो है इसके पीछे लिखा हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसकी जो फिनिशिंग है ना, इसकी जो फील एंड फिनिश है
वो बहुत बढ़िया है। देखो जो सारे जो डिटेलिंग है हर चीज़ में वो बहुत अच्छी आ रही है, और जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इसके अंदर यूज़ हुई है वो भी बढ़िया है। तो हाथ में तो ये बढ़िया फील हो रहा है, जैसा अच्छे ड्रोन्स वगैरह फील होते हैं। कहीं से भी ये जो सस्ता तो नहीं लग रहा और है भी नहीं। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, तो इसके ऊपर भी जो है कुछ ये लेबल लगा हुआ है। इसको हटाते हैं, फटाक से इनमें बैटरीज डालते हैं, ऑन करते हैं और उड़ा करके चेक करते हैं। दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए ये जो USB केबल है ये लगती है यहाँ पर पीछे, इसके पीछे जगह है तो ये यहाँ पर घुस जाएगी और हम इसको जो है अपने लैपटॉप में या फिर अपने चार्जर में लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं बढ़िया से। ये काफ़ी बड़ी है गाइज, यहाँ पर ये जो है नई है तो इसमें बंधी हुई है। देखो क्या बात है, जो फ्लाइंग मैन है वो चार्जर की केबल से ऐसे भी उड़ रहा है गाइज। देखो फ्लाइंग मैन हवा में उड़ रहा है गाइज, वाओ नहीं उड़ रहा गाइज। अब इसको चार्ज लगाते हैं, पहले चार्ज करते हैं, इसमें बैटरीज डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा उड़ता है। तो भाई इसको हमने लगभग 20-25 मिनट चार्ज लगा दिया है और अब देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई लाइट तो नहीं जल रही है, रिमोट के अंदर भी बैटरीज डल चुकी हैं। इसको करते हैं ऑन। इसको पेयर करने के लिए शायद इसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा जैसा उस पर लिखा हुआ था। हो गया, एक बार ऐसे करना था बस, ठीक है। यहाँ पर एक बटन है गाइज, ये तो दो जो है स्टिक्स हैं, ऐसे ऐसे मूव करती हैं और ये भी ऐसे ऐसे करती है, मतलब इधर उधर उधर उधर, समझ जाओ आप लोग। और यहाँ पर है ये लैंडिंग एंड टेक ऑफ का बटन, जैसा ड्रोन्स में भी होता है। तो इसको दबा करके देखते हैं और इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं गाइज। और गाइज ये जो हवा में आ गया, ओए अरे 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 अरे, अरे किधर जा रहा है, ओए ओए वापस नहीं आ रहा, हवा चल रही है। ओ शूट, ओ भाई बहुत दूर चला गया। ओ शिट, ओए 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 कॉन्टैक्ट टूट गया। नहीं नहीं अभी तो है, लैंड करा दूं क्या? अरे 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 पेड़ उड़ में गया। अरे यार ये, ओ शिट शिट शिट, उस पे इंडोर्स लिखा हुआ था, अगर ये नहीं मिला तो गए देता है सामान ही में। लेकिन अच्छी बात है कि आपको दिखा दिया था। अबे ये क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया क्योंकि वो इंडोर यूज के लिए उसके प्रोपेलर छोटे छोटे थे। तो वो हवा के फ्लो में ही जो है बह गया एक तरीके से, वो वापस ही नहीं आ पाया। उधर भेज रहे हैं तो बहुत फास्ट जा रहा है हवा के साथ में, और बुला रहे हैं तो हवा की वजह से वापस नहीं आ पा रहा। क्या करें भाई, चलो उसको ढूंढते हैं। उससे कांटे के तार है भाई, बच गया है। किधर है, गाइस पेड़ को हिलाने की कोशिश करते हैं। पत्ते पत्ते तो हिले हैं यार, धीरे धीरे आ गया आ गया आ गया। है टमाटर आया क्या है? मैं सोच रहा वो आया है, ये भी रेड रेड था। तो भाई यहाँ पर हमारा जो फ्लाइंग मैन है वो आ चुका है। क्या बात है, इसकी गर्दन टेढ़ी कैसे हो गई है, ये तो घूमती है क्या? अरे वाह ये तो घूमती थी। चलो भाई मिल गया, बढ़िया बात है, ठीक है, एकदम सेफ है। पेड़ में जाके उलझ गया था, चलो इसको अंदर उड़ाते हैं। अब इंडोर ही उड़ा करके देखना पड़ेगा, बाहर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई हम वापस लेकर आ चुके हैं फ्लाइंग मैन को, और यहाँ पर जो है हम लोग फिलहाल हमें हमारे ओपन स्टूडियो में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने ऑर्बिस वाली वीडियो भी बनाई थी, लेकिन गाइज इधर उधर देखो ये फैले पड़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हवा जो है वो कम से कम इसको उड़ा के तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि इधर पे जो है दीवार है। तो यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ नीचे, ठीक है, और अब इसको टेक ऑफ करते हैं। और हाँ इस बार ठीक है, इस बार उधर जा रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गाइज ये देखो, ओए ओए ओए, आजा आजा वापस आजा 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 आजा, हाँ ठीक है ठीक है। गाइज मैं जो है, ओए 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 ओए, रुक जा, उतार दिया। अब फिर से उड़ाते हैं, हाँ, और इस बार इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ट्राई करता हूँ। गाइज ये जो है एक ड्रोन की तरह उड़ता है, ये बिल्कुल एक ड्रोन की तरह उड़ रहा है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी बढ़िया है, और शायद अगर ये इंडोर उड़ेगा तो और भी बढ़िया से उड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो है यहाँ पर हवा थोड़ी बहुत तो चलेगी गाइस, क्योंकि हम जो है बाहर हैं फिलहाल, ऊपर देखो आसमान है। अरे घूम जा, ओए अबे ओए, तू देख के नहीं चला सकता क्या? और इतनी बार गिरने के बाद में भी जो फ्लाइंग मैन है उसमें कुछ नहीं हुआ है, चीज तो कमाल की है यार गाइस। ये देखो कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा ये लगता है, और उड़ भी रहा है, ठीक है। वैसे अगर हम एक ऐसा ड्रोन भी मंगाते हैं ना, वो भी लगभग गाइस 3-4 हज़ार रुपये का तो आता ही है, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट फीलिंग भी दे रहा है। इसमें भी चार प्रोपेलर्स, देखो नीचे दो हैं और ऊपर भी दो हैं, यानी कि चार पंखड़ियां हैं इसमें, लेकिन ड्रोन की शेप नहीं है, शेप एक इंसान की है कि एक इंसान उड़ रहा हो। चलो इसको हाथ से उड़ाते हैं इस बार,
पेड़ तो ये है ही, ठीक है छोड़ रहा हूँ भाई, ध्यान से रहना। और क्या बात है, अरे पीछे आ जाओ, अरे पीछे आ जाओ, ओए ओए अरे 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 किधर जा रहा भाई, अरे 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 ओए टकराएगा टकराएगा टकराएगा, अरे अरे वो फिर गया फिर गया वो फिर गया, उतर जा उतर जा। हाँ बढ़िया बढ़िया, अभी नहीं उतरता ना तो फिर बैठा के ला। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये मज़ेदार लगा होगा, एक नई चीज़ थी यार। मैंने तो देखो ड्रोन्स तो पता नहीं कितने उड़ा रखे हैं, छोटे भी बड़े भी, लेकिन इस तरीके का एक इंसान जैसा दिखने वाला जो ड्रोन है, मैं वही कहूँगा इसको, अब ये कैसा ड्रोन है जो इंसान की तरह दिखता है, बस है ये ड्रोन ही, लेकिन इसके जो प्रॉप्स हैं वो बहुत अलग तरीके से लगे हुए हैं। और एक बात और है, जो सस्ते ड्रोन्स होते हैं ना वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेबल है, जबकि ये इंडोर उड़ाने के लिए, लेकिन हमने इंडोर नहीं उड़ाया, हमने इसको आउटडोर से उड़ाया, और बिल्कुल खुले में तो भाई साहब ये भाग जाता है, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा कंट्रोल जगह पर उड़ाया दीवार वगैरह के साथ में, तो ये नहीं भागा, बढ़िया से उड़ा और टकराने के बाद भी एकदम ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस सीरीज़ के अंदर, अगर आया है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। We'll be right back.